हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आज के न्यूज़पेपर पर एक खबर आई हुई है कि व्यापम और पीएससी में 3 महीने तक कोई भी वैकेंसी नहीं है। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ही एक तरह से हड़बड़ाने वाला सिचुएशन है। और इस खबर को सुनकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है, और साथ ही इस खबर को मैंने सुबह के वीडियो में जो है कवर किया हुआ है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों में जो है हड़कंप मच चुका है कि क्या सचमुच में अब 3 महीने तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो ऐसे में अभ्यर्थी क्या करें, क्या सच में ये खबर सच्ची है या फिर वैकेंसी आने का कोई चांस है, कोई चांस बनता है विभागों में जो है वैकेंसी से रिलेटेड कोई प्रस्ताव गया हुआ है या फिर नहीं। सारे बातों पर इस वीडियो में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। जुड़े रहिएगा वीडियो पर, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबको पता होगा कि 3 महीने तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा न्यूज़पेपर में आया हुआ है। सीजी व्यापम और पीएससी में जो है अब भर्तियों का सूखा पड़ने वाला है 3 महीनों के लिए। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, उस न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पर लगी हुई है और उसी के जरिए ये खबर आया हुआ था कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है फिलहाल 3 महीने तक। और जो पहले से वैकेंसी गई हुई है विभागों के पास, चाहे वो व्यापम है या पीएससी है, तो जैसे कि व्यापम में एक वैकेंसी आई हुई है 2 पदों के लिए, वैज्ञानिक की भर्ती है और इसके लिए कल के डेट पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। ये रही व्यापम की बात। पीएससी में भी वैसे ही अभी प्यून की भर्ती आई हुई है जिसका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ होगा, ठीक है। अगले महीने उसके टाइम टेबल की घोषणा कर दी गई है, उसका एग्ज़ाम जो है अगले महीने होगा। तो जो भी कैंडिडेट इन वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो तो इत्मीनान से अपनी वैकेंसी की तैयारी करें, परीक्षा की तैयारी करें, खास करके प्यून भर्ती वाले जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वैकेंसी गई हुई है। पीएससी पहली बार प्यून का एग्ज़ाम ले रहा है, मैंने उस वीडियो को कवर किया हुआ है कि टाइम टेबल के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दी जा चुकी है। तो आप लोग विषय के अनुरूप अपना जो है तैयारी करते रहें। बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि उसके स्ट्रेटेजी के बारे में, तो अगर मुझे समय मिलता है तो मैं स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात करूँगा आगे आने वाले वीडियो में कि किस तरह से कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर सकें आप लोग प्यून भर्ती के लिए। अब बात करते हैं जो खबर से हड़कंप मची हुई है, जिस खबर से जो है एक तरह से घबराहट वाली स्थिति पैदा हुई है कि क्या अब पढ़ाई जारी रखनी चाहिए या फिर इस खबर को सही मानते हुए पढ़ाई अभी बंद कर देनी चाहिए जब तक कि वैकेंसी आ नहीं जाती। तो देखिए, पढ़ाई बंद करने का कोई सवाल यहाँ पर पैदा नहीं होता है। जो खबर आया हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है, इसकी पुष्टि अभी कोई नहीं कर सकता। न मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूँ और ना आप लोगों को पूरी तरह से इस खबर को सच्ची माननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफिशियली घोषणा तो नहीं की गई है। ना व्यापम के वेबसाइट पर, ना पीएससी के वेबसाइट पर ऐसा कुछ लिखा तो नहीं गया है कि अब 3 महीने तक वैकेंसी नहीं आएगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, वहाँ पर ये दिया हुआ है कि 3 महीने तक कोई जो है भर्ती नहीं होगी। कहने का ये मतलब है कि अभी हाल में कोई विभाग के पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया हुआ है जिससे आगे 3 महीने तक कोई एग्ज़ाम लिया जा सके। जो जैसे कि पीएससी में आप सबको पता होगा, पीएससी काफ़ी समय देता है। अगर आज वैकेंसी आती है तो उसका एग्ज़ाम भी 2 या 2.5 या फिर 3 महीने बाद ही होता है। यानी अगर कल के डेट पर कोई वैकेंसी आएगी तो उसका भी एग्ज़ाम 3 महीने के बाद ही होगा। यानी 3 महीने तक कोई एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं, पहली बात पीएससी में। बात करते हैं व्यापम की, तो व्यापम लगभग 40 से 45 दिन का समय देता ही है। यानी अगर आज के डेट पर वैकेंसी आती है तो 1.5 महीने बाद जाकर के आप लोगों का एग्ज़ाम होता है। तो ये होगी दूसरी बात कि अभी अगर वैकेंसी आज के डेट पर आती है तब भी उतना समय लगना ही है, 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने या 3 महीने का समय लगना ही है। अभी आज के डेट पर कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है व्यापम या पीएससी के पास, हो सकता है 1 हफ्ते बाद आ जाए, हो सकता है 4 दिन बाद आ जाए, हो सकता है 15 दिन बाद आ जाए विभाग की ओर से कोई प्रस्ताव। तो जैसे ही कोई प्रस्ताव आएगा उसके बारे में पूरा डिटेल करके जो है विभाग तुरंत वैकेंसी जारी कर देगा। अब ये वैकेंसी 15 दिन में भी जारी हो सकती है, 1 महीने में भी जारी हो सकती है। तो ये इस बात को या इस खबर को सच्चाई मान करके पढ़ाई छोड़ देना बिल्कुल अपने आप में एक मूर्खता वाली बात होगी। वैकेंसी बिल्कुल आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि विभागों की यहाँ पर किरकिरी भी होगी कि वो सरकार की यहाँ पर किरकिरी होगी कि वो वैकेंसी नहीं ला रही है या फिर भर्तियाँ नहीं कर रही है। जैसे कि आपको पता है हाल में जो है इलेक्शन है, इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी भी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी भी है, और अपनी एक तरह से देखा जाए तो उसकी ये जिम्मेदारी बन रही है कि वैकेंसी ले, ताकि लोग उसके प्रति विश्वस्त हों, उस पर विश्वास जताएं जो अभ्यर्थी हैं और सरकार को फिर से चुन करके लाएं।
तो सरकार के पास एक चुनौती भी रहेगी जल्द से जल्द भर्ती कराने की। तो देखिएगा आप लोग कि बहुत ही जल्द वैकेंसी आप लोगों के लिए आएगी। अगर एक महीने बाद कोई वैकेंसी आती है, जैसे कि बहुत सारे वैकेंसी की अपडेट आई हुई थी ADEO की है, बहुत सारे कैंडिडेट रेगुलर जो है इसके लिए कमेंट करते हैं कि कब आएगी, ठीक है। इसके अलावा ABEO जो PSC के द्वारा जो भर्ती होनी है, ठीक है। इसके अलावा छात्रावास की भी प्रक्रिया चल रही है, जैसे मैंने अभी आपको पिछले कुछ दिन पहले अपडेट दिया हुआ था कि खुद मंत्री जी ने ये कहा हुआ है कि इसकी भर्ती की प्रक्रिया जो है स्टार्ट कर की जा चुकी है। उन्होंने हालांकि डेट के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया चूंकि स्टार्ट की जा चुकी है ये उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है। तो आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि प्रक्रिया चूंकि स्टार्ट है तो वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस कीजिए, इस तरह के न्यूज़ पर जो है ज़्यादा फोकस मत कीजिए कि अभी वैकेंसी नहीं है। हो सकता है ठीक एक महीने बाद आप लोगों की ADEO या छात्रावास की भर्ती निकल जाए, तो ऐसे विद्यार्थी ऐसे अभ्यर्थी तो वहाँ पर पिछड़ते हुए ही नज़र आएंगे जो अभी पढ़ाई बंद कर देंगे, और जो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख पाएंगे ऐसे दिनों में तो सिलेक्शन उन्हीं का निश्चित होगा, उन्हीं का पक्का होगा। तो आप लोग भी अपनी तैयारियाँ बिल्कुल आपको बंद नहीं करनी है, तैयारियाँ आपको कंटिन्यू करनी है, और वैकेंसी बिल्कुल आएगी, इन 3 महीनों के भीतर ही वैकेंसी आएगी। चूँकि 3 महीने के भीतर वैकेंसी आएगी तो उसका एग्ज़ाम आते आते या फिर एग्ज़ाम का जो शेड्यूल रखा जाएगा उसका वो शेड्यूल जो है नवंबर में हो सकता है, दिसंबर में हो सकता है, लेकिन वैकेंसी इससे पहले ही आएगी, आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है। तो आई होप ये इस तरह से एक पॉजिटिव वे में अगर आप समझेंगे तो आप लोगों की पढ़ाई में कोई व्यवधान भी नहीं आएगा, और साथ ही आप लोग देखिएगा कि बहुत ही जल्द किसी न किसी वैकेंसी की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और जिन अभ्यर्थियों को, चूँकि ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनको तत्काल नौकरी की ज़रूरत है, तत्काल किसी न किसी इनकम की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मैं रेगुलर बेसिस पर जो है अपडेट लेकर के आता हूँ। संविदाएँ भर्ती हैं, जो BEd DEd वाले कैंडिडेट हैं लगातार उनके लिए आत्मानंद से वैकेंसी आ रही है, या फिर अलग से किसी तरह की शिक्षक भर्ती आ रही है, तो आप लोग बिल्कुल घबराएं ना, और आप लोगों के लिए वैकेंसी लगातार आती रहेगी। बीच बीच में कुछ पदों पर रेगुलर भी भर्ती आती रहती है, तो आप लोग उस पर कोशिश जरूर कीजिए अगर एलिजिबल होते हैं तो। और बने रहिएगा चैनल के साथ, क्योंकि चैनल के द्वारा आप लोगों को बहुत ही लेटेस्ट और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, किसी तरह की इधर उधर की बात नहीं की जाती है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही इस बारे में, इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, ये वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला या फिर नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।